रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन पहले ही रूस ने यह परमाणु हमले की चेतावनी दी थी। ऐसे में यूक्रेन में रूसी एयर स्ट्राइक का खतरा बना हुआ है। रूसी हमले के डर से सबकी हवा टाइट हो गई है। नौबत ये आ गई है कि अमेरिका, इटली समेत कई देश अपनी एम्बेसी पर ताला लगा कर भाग गए हैं। खुद ज़ेलेंस्की गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्लीज मत जाओ, रूस ऐसे ही धमकाता रहता है। मगर अमेरिका, इटली और स्पेन है कि मान ही नहीं रहे। अमेरिका, इटली, स्पेन और ग्रीस ने कीव स्थित अपनी एम्बेसी यानी दूतावास पर ताला लगा दिया। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि रूस फर्जी हवाई हमले की धमकी फैला रहा है। इस बीच यूक्रेन के खुफिया निदेशालय ने रूस पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया कि बुधवार को वह बड़े पैमाने पर हमला करेगा। यूक्रेन के मुताबिक सोशल मीडिया नेटवर्क और मैसेंजर पर एक मैसेज फैलाया जा रहा है जिसमें बुधवार को यूक्रेनी शहरों पर मिसाइल और एयर स्ट्राइक का खतरा बताया गया है। ये मैसेज फेक है। यूक्रेन इस सूचना में व्याकरण की गलतियों की वजह से इसे फेक बता रहा है। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग के कंसुलर अफेयर्स ब्यूरो की माने तो कीव में अमेरिकी दूतावास को एक संभावित हमले की सूचना मिली थी, इसलिए दूतावास को बंद कर दिया गया। यहाँ खास बात यह है कि रूस यूक्रेन जंग अब खतरनाक मोड़ पर है। हर तरफ से हमले बढ़ गए हैं। अमेरिका ने आग में घी डाल दिया है। जो बाइडेन ने लॉन्ग रेंज वाली अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की यूक्रेन को मंजूरी देकर पूरे इलाके में खलबली मचा दी है। यूक्रेन भी शायद इसी मौके के इंतजार में था। जैसे ही बाइडेन का ग्रीन सिग्नल मिला, यूक्रेन ने रूस पर अमेरिकी हथियार से हमला कर दिया। अब रूस भी आग बबूला हो गया है। उसने परमाणु अटैक की धमकी दी है, जैसा कि पुतिन का नेचर है। सभी जानते हैं कि यूक्रेन के इस कदम के बाद रूस चुप नहीं बैठेगा। वह अमेरिका और यूक्रेन को करारा जवाब देगा। यही वजह है कि यूक्रेन में रूसी हमले का खतरा मंडरा चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो यूक्रेनी पूर्वी मोर्चा ढह सकता है। रूस ने इस साल 1 सितंबर से 3 नवंबर के बीच 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया। ये दिखाता है कि हाल के महीनों में हमले तेज हुए हैं। इस दौरान खास तौर से खार्किव क्षेत्र में कुपियांस और खुराखोव रूस के निशाने पर रहे हैं। ये डोनेट क्षेत्र में पोक्रोवस्क के प्रमुख रसद केंद्र के लिए एक कदम है। ISW की रिपोर्ट कहती है कि मॉस्को के पास अब यूक्रेन में 1,10,649 वर्ग किलोमीटर जमीन है। यूक्रेनी सेना ने भी रूस के कुर्स्क में अपने आक्रमण के पहले महीने में 1,171 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया था, लेकिन रूसी सेना ने अब उस क्षेत्र के लगभग आधे हिस्से पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। ये स्पष्ट रूप से यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका है।